हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर दो तीन टॉपिक्स जो कि आपके डाउट हैं मेनली सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं पिछले एक वीक में, मैं ये देख रहा हूँ, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो हो, चाहे वो बैच के स्टूडेंट हो, एस्टेट केमिस्ट्री के या एकलव्य मॉडल की केमिस्ट्री के बैच के स्टूडेंट हो, कि सर एग्जाम कब होगा एकलव्य मॉडल स्कूल का, ठीक है। दूसरा ये कि दोनों की तैयारी कैसे करें, दोनों की तैयारी का मतलब ऐसा है, दोनों की मैं ये बताऊंगा कि कैसे करें, बेस्ट परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको जॉब मिलेगी तो किस बेस पे ही मिलेगी दोस्तों, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है, वो दोनों की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है एकलव्य मॉडल स्कूल के ऊपर। दोस्तों एक बात तो पहले तो ये जान लो, एनवीएस का एग्जाम हो चुका है, केवीएस का हो चुका है, दोनों के फॉर्म भरे गए, तब अपने जो एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबके मन में क्या था, सर इनका एग्जाम कब होगा। उस टाइम भी ये कमेंट आते थे, एग्जाम कब होगा, डेट कब आएगी, ठीक है। एग्जाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, डेट आ गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। सिलेक्शन की लिस्ट भी जारी होगी, किसी का होना बाकी है, किसी सब्जेक्ट में हो गया, जैसे टीजी टीम हो गया, पीजी टीम कुछ रहता है, मान लो प्रोसेस सर अपने हाथों से सब कुछ जा चुका है। यहां सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो हमें कहां देखना पड़ रहा है एकलव्य मॉडल स्कूल की डेट कब आएगी। और मैं फिर बोल रहा हूं, सिलेक्शन वही लेके जाएगा जो पढ़ रहा है, ना कि एग्जाम की डेट का वेट कर रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं एक सिलेक्शन कौन दिलवाएगा, सिलेक्शन दिलवाएगा सब्जेक्ट। सर आपने ये कैसे बोल दिया, सब्जेक्ट सिलेक्शन दिलवाएगा, एग्जाम कब तक होगा, प्रोबेबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखिएगा। देखिए सब्जेक्ट क्यों दिलवाएगा, एचपीएससी का एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा जो एकलव्य मॉडल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा वालों ने सभी ने दिया होगा, बाहर के हैं वो मे भी ना भी दिया हो। 80 नंबर का सब्जेक्ट आया था, 20 मार्क्स का कॉमन पार्ट आया था, कॉमन पार्ट ऐसा बना दिया था कि सारे बराबर थे, जिसने तैयारी की और जिसने तैयारी नहीं की सारे बराबर थे, बाजी कौन मार के जा रहा है, जो सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आएगा। रेयर हो सकते हैं 5% लोग, 100 में से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोलेंगे कि सर हमने मतलब 20 मार्क्स में बढ़िया स्कोर किया है, पर एक जो मेजर बल्क में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ किस पे, सब्जेक्ट वाले पे। यहां देखो तुम्हारे पास जो एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं इनके सब्जेक्ट कितने का आ रहा है, आप कहोगे 70 का सब्जेक्ट 5 का सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मान लो 75 भी अगर मैं मानता हूं, 20 की रीजनिंग है, और यहां भी तुम्हारे पास 10 की रीजनिंग है, 60 का सब्जेक्ट है, 70 नंबर यहां है, और यहां आप मान लो तो 95 नंबर ये हो गए, उसके बाद 10 नंबर की हिंदी यहां है, 15 नंबर की हिंदी यहां है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि कंटेंट कैसा है, हिंदी की प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, ठीक है। कि मैं ये नहीं कहता कि आप बैच ना लो, मैंने बहुत बार बोला है कि भाई आप बैच बिल्कुल कॉमन पार्ट के लिए कभी भी बैच की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप ये क्लास विजिट कीजिए और हिंदी हिंदी रहेगी, चाहे वो एकलव्य मॉडल में आए चाहे वो एस्टेट के अंदर आए। हाँ अगर आपका मान लो सब्जेक्ट क्या है, मान लो आप इंग्लिश से हो, ठीक है, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, चाहे आप केमिस्ट्री से हो, चाहे आप हिस्ट्री से हो, अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन वीक है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे विजिट कीजिए, जो आपको लगे कि आपको मतलब ट्रस्ट वर्थी आपके लिए रहे, आपका सब्जेक्ट जिसकी कमांड खुद की हो, जिसने खुद को एग्जाम क्रैक कर रखे हो और आपको एक बेहतरीन अपने आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनवा सके, तो आपको सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कोई भी सब्जेक्ट हो आपका बेसिक, ठीक है। बट कॉमन पार्ट क्या है यार, कॉमन पार्ट तुम ये वीडियो देखो, यहां तीन वीडियो यहां डाल चुका हूं, ये रहा रीजनिंग का पार्ट, तुम खुद देखोगे तुम्हें खुद महसूस होगा क्या इसके लिए हमें जरूरत है। और कॉमन पार्ट में अगर हम बात करें यहां आईसीटी की, और जो एस्टेट वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बैच में भी नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट जैसा यूट्यूब पे फ्री में दिया जा रहा है। यहां आप जाकर देख लेना, ये वीडियो 11 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और एग्जाम तक सारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर सब्जेक्ट, देखो दोस्तों सब्जेक्ट आपको यहां नहीं, सब्जेक्ट जिंदगी भर हेल्प करेगा। ये जो कॉमन पार्ट जैसे जनरल नॉलेज, सपोज कर लो जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर, आप यूट्यूब पे ऐसी ऐसी क्लासे मिलेंगी डेली सुबह आपको एक एक घंटा पढ़ाया जाएगा, एक एक डेढ़ घंटा, वो कोई स्मार्ट स्टडी नहीं है दोस्तों। अगर आप उसमें एक डेढ़ घंटा करंट अफेयर को दे रहे हो, करंट अफेयर का कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर को लास्ट के 4 दिन में किया जा सकता है, लास्ट के 4 दिन में किया जा सकता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को लास्ट के अगर 5 दिन पहले भी आप किसी की कोई मैराथन क्लास देखते हो नॉर्मल, ठीक है, एक थोड़ी एडवांस की देख लो, एक नॉर्मल वाली देख लो, बेसिक वाली क्वेश्चन अटेम्प्ट होना होगा तो वहीं से हो जाएगा। आपको कोई यहां पीएचडी थोड़ी ना करनी है कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी या आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड। सर टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का आएगा और ये आएगा प्रैक्टिस से। जिस दिन आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी उसी दिन आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। तब तक मैं कहता हूं हर सब्जेक्ट वाले को अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइएगा, और अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, सब्जेक्ट में स्कोर करके तुम, अरे ये देखो 130 मार्क्स टोटल है, 130 में से 70 75 नंबर, 75 ही मान लो,
ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, मैं एनवीएस में मेरा जब एग्जाम क्रैक हुआ 20 सीटें थी, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं जर्नल जी करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ के गया, कंप्यूटर तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा, सही बताऊं तो कंप्यूटर मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है, फिर भी नॉर्मल क्वेश्चन आए थे पर नेगेटिव मार्किंग थी वहां, ठीक है। यहां तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जहां मैं ये बोल देता हूं कि जॉब की बात करें, तो अब आप कहोगे सर जो एग्जाम है वो कब होगा, एग्जाम है वो कब होगा, तो ये भी सुन लो दोस्तों, चुनाव है आपके लोकसभा के, लोकसभा की, उसी को देखते हुए ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है एनवीएस और केवीएस के बाद, और वो है मई के अंदर, एग्जाम कब है, मई के अंदर। इससे पहले आपका एग्जाम भी होगा, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, चाहे वो मार्च तक हो जाए चाहे वो अप्रैल तक हो जाए, अभी मान लो सितंबर तो जा चुका है, 3 महीने इस साल के और 3 महीने अगले साल, 6 महीने आप अपने आप को झोंक देते हो ना, 6 महीने झोंकने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग तक का जो टाइम होगा वो आपके हाथ में नहीं है, तो ये मान के चलो 3 महीने, अगर आप 3 महीने अपने आप को झोंक देते हो ना, एकदम कठोर तपस्या करते हो 3 महीने की, 3 महीने की कठोर तपस्या, देखो अभी एग्जाम डेट आने के बाद आपको कम से कम 1 महीना मिलेगा, 1 महीने में क्या होता है, हम रिविजन कर सकते हैं या जो कॉमन वीडियोज है कॉमन पार्ट की वो देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो हिंदी के 20-20 मिनट के टॉपिक्स आपको देखने हैं, 15-20 टॉपिक होंगे, एक दिन में मैक्सिमम देखे जा सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इंग्लिश भी है, ठीक है, वो क्वालिफाइंग है वो कर लोगे आप, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एस्टेट वाले वो देख ही रहे होंगे 30 नंबर की, उनकी अभी से इसीलिए डल रही है क्योंकि उसका 30 नंबर का काम है, इसलिए उसकी क्लासेस डल रही है। AMRS के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 80 नंबर का है, उसको आप आराम से कवर कर सकते हैं 1 महीना एग्जाम डेट आने के बाद भी। स्मार्ट स्टडी कीजिए, सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम दीजिए, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जिस चीज में हमें मजा आने लग जाता है ना हम उसी पे लगे रहते हैं, ये नहीं देखते कि ये हमें कितना नंबर दे के जाएगा। तो मैं ये एक ही बात बोलना चाहूंगा, किसी भी सब्जेक्ट के हो सब्जेक्ट को करो स्ट्रॉन्ग अपना, और कॉमन पार्ट को देते रहो थोड़ा थोड़ा टाइम साथ के साथ। कॉमन पार्ट में जो मेजर पोर्शन है वो रीजनिंग है एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए, बाकी ये जो है ये मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग 40% मतलब आपको 4-4 नंबर, मैं अगर बात करूं तो यहां 20-20 है तो 10-10 है तो 4-4 नंबर 8 नंबर, ठीक है। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करूं तो वो तो नॉर्मल आप ले ही लोगे, अगर एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा आप, चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हो और एस्टेट वाले यहां भी और यहां भी, और केमिस्ट्री वाले एकलव्य मॉडल स्कूल वालों के लिए या केमिस्ट्री की बना रखी है, एस्टेट के लिए अलग बना रखी है, और कंप्लीट बैच के लिए आप ऐप पे भी विजिट कर सकते हो केमिस्ट्री के लिए, कॉमन पार्ट का कोई बैच नहीं रहेगा। टीजीटी साइंस वालों के लिए भी फ्री में, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे पूरा कंटेंट दिया जा रहा है आपको, कॉमन पार्ट चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो यूट्यूब पे भरपूर पड़ा है, ठीक है। हाँ सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी के हो तो आप देखिए अपना बढ़िया एजुकेटर कि आपको जो बायोलॉजी जिसकी समझ आती हो बायोलॉजी वहां से कीजिए, ठीक है। आपको लगता है कि आप पीजीटी फिजिक्स से हो तो आपका फिजिक्स का आपको लगता है तो वहां से कीजिए, कि जिस टीचर ने आपको मतलब जिसकी आपको समझ आए जो आपको बढ़िया से डिलीवर कर पाए आपको एक एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस दे पाए। धन्यवाद आप सभी का, मैं कहता हूं दोस्तों 3 महीने आप अपने आप को दे दीजिएगा 12वें महीने तक, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एस्टेट बेसिकली वैसे तो नवंबर में बोला हुआ है, ठीक है, और मैं भी नवंबर में नहीं होता तो दिसंबर में तो कंफर्म है ही है, तो एस्टेट भी उन्हीं का पास होगा जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे ख्याल में आपको कुछ थोड़ा सा इससे मिला होगा, कॉन्फिडेंस जुनून आएगा आपके अंदर, पढ़ोगे आप कुछ, ठीक है, और ये लगातार करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए। हरियाणा में स्पेशली ऐसा ही होता है कि जब एग्जाम डेट निकल आती है तब हम स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद होता नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन नहीं होता, तैयारी हो जाती है, वो मन को एक शांति देते हैं, जैसे कंधा देने वाली बात होती है वो, कि हाँ यहाँ कंधा कंधे पे रख के सिर रोल लो थोड़ा सा 1 महीने, वो बात होती है। एग्जाम क्रैक करने के लिए थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि धूप में खड़ा होना है, पढ़ना है अपना, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, ऑल द वेरी